जय श्री ओम बन्ना साकी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? निशा एक बार फिर हाजिर है आप ही के अपने YouTube चैनल SB Homes में। तो दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी को लेकर आई हूँ कालवा रोड पर। मेन कालवा रोड से डिस्टेंस की बात करेंगे तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका ये विला लोकेटेड है। रॉयल सिटी में आपका ये घर रहने वाला है। बहुत ही अच्छा घर बना हुआ है, एक छोटी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा प्यारा सा घर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। 62 गज में आपका ये हाउस बना हुआ है दोस्तों। 2 BHK रहने वाला है, प्यारा सा किचन भी आपको मिलने वाला है और पार्किंग के लिए स्पेस तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। जैसे कि जब हम छोटा घर लेने की सोचते हैं तो उसमें पार्किंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन इस घर के साथ आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो वीडियो को स्किप करने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, उसको भी आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है। यहाँ पर आप अपना 2-व्हीलर पार्क कर सकते हैं या फिर ग्रीनरी पर्पज से भी इसे यूज में ले सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट में देख पा रहे हैं टाइल वर्क किया गया है। एलिवेशन की तरफ भी एक बार आप देख लीजिए, बहुत ही प्यारा एलिवेशन दिया गया है। सिंप्लेक्स हाउस आपका ये रहने वाला है दोस्तों। बर्म एरिया भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है, स्टेप्स का इसमें यूज किया गया है। डोर देख पा रहे हैं बहुत ही प्यारे कलर के साथ आपको मिल जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्किंग एरिया आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है, तो देख लीजिए आप खुद ही यहाँ पर इजीली आप अपनी बड़ी कार पार्क कर सकते हैं। एंड यहाँ पर स्टेयर्स के नीचे भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हैं, स्टोरेज एरिया पर्पज से यूज में ले सकते हैं। स्टेयर्स आपको बाहर से मिल रही है, यानी कि अगर आप ऊपर बनाना चाहते हैं या हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप ये भी इजीली कर सकते हैं। आ जाइए, सबसे पहले आएगा आपका गेस्ट रूम या फिर लिविंग एरिया। आप मान लीजिए दोस्तों स्पेशियस रहने वाला है, अगर गेस्ट रूम पर्पस इसे यूज़ में लेते हैं तो इजीली यू शेप में आप 5 to 6 सीटर सोफा प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा इंटीरियर वर्क किया गया है। वॉलपेपर के साथ गेस्ट आएंगे तो वाकई बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग उनको आने वाली है। फॉल सीलिंग की तरफ देख लीजिए, लैम्प्स के साथ में बहुत ही प्यारी फॉल सीलिंग आपको मिल जाती है। आ जाइए आगे, यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था बहुत ही ज़्यादा प्यारा किचन आपको मिलने वाला है, तो ओपन स्पेस किचन रहने वाला है। देख पा रहे हैं एल शेप के साथ यहाँ पर वर्किंग स्टेशन मिल रहा है बहुत ही प्यारी सी टाइल के साथ। यहाँ पर आ जाएगा आपका सिंक एरिया, कैबिनेट्स भी काफ़ी सारे मिल रहे हैं। छोटी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा खूबसूरत सा आपका ये घर रहने वाला है। देख पा रहे हैं फॉल सीलिंग बहुत ही प्यारी तरीके से कवर की गई है एंड यहाँ पर भी ये जो डिज़ाइनर वॉल है आपको मिल जाती है। इस तरफ कॉमन वॉशरूम दिया गया है, एक बार आप देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ मिल रहे हैं। वेस्टर्न सीट इसमें दी गई है। वॉश बेसिन एरिया भी आपको सेपरेट दिया गया है। आ जाइए, ये रहेगा आपका सेकंड बेडरूम, स्पेशियस है। यहाँ पर आपको वार्डरोब भी लगवा कर दी गई है, एक बार आप देख लीजिए। एंड यहाँ पर जो वॉलपेपर है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, यानी कि अट्रैक्टिव वॉलपेपर रहने वाला है। वॉल सेल्फ भी आपको मिल जाते हैं। इस बेडरूम में बैकयार्ड का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा, सफोकेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। फॉल सीलिंग भी देख सकते हैं बहुत ही प्यारी प्रोफाइल लाइट्स के साथ आपको मिल जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ कर चुके हैं अभी हम इतने प्यारे से खूबसूरत से छोटे से घर का टूर। कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। तो दोस्तों बात करेंगे इसके प्राइस की, तो ओनली 24 लाख में आपको ये हाउस मिलने वाला है जो कि 62 गज में बना हुआ है और एक बड़ी पार्किंग के साथ आपको मिल रहा है। तो देर किस बात की है, फिर नंबर स्क्रीन पे आपको दिख ही रहे होंगे। जल्दी से जाइए, फ़ोन उठाइए, निशा को कॉल लगाइए और आ जाइए साइट विजिट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।